एक पति पत्नी की सुंदर स्टोरी है, जरा ध्यान से सुनो। एक दिन पति पत्नी में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया, लेकिन गर्मियों की रात थी। वो दिनों में अपनी अपनी जगह पर वो सो गए। आधी रात होते ही पति को प्यास लगी। वाटर कूलर पास ही था, मेज पर रखा था, तो उसने खुद कर उठ कर पानी पिया। अचानक उसने मुड़ कर देखा कि उसकी पत्नी उसे गुस्से में देख रही है और बोली, आपने पानी खुद को खुद क्यों पिया? पति ने भी गुस्से और अकड़ से जवाब दिया, हाथ पाँव सलामत है, खुद पी सकता हूँ, मोहताज नहीं हूँ। पत्नी पति के करीब आई और हाथ पकड़ लिया और बोली, एक बात गौर से सुन लो, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मैं अपना हक और खुशी छीनने नहीं दूंगी। पता है आपको पानी देते हुए मुझे कितनी खुशी होती है, भले ही आप बातचीत बंद क्यों ना हो, लेकिन पानी आप खुद नहीं पियेंगे। ऐसा कहते ही पत्नी के आंखों में आंसू आ गया और पति ने उसे गला लगाया और झगड़ा खत्म कर दिया। और फिर पत्नी गुजर जाने के बाद जब रात को उसको फिर से प्यास लगी तो वो उठ गया। फिर दीवार पर लगी उसी खूबसूरत तस्वीर देखकर उसके आंखों में पानी बहने लगा और भीगी हुई आंखों से तस्वीर को हाथ लगाया और उसे अपने पत्नी की ये बात याद आ गई। वो कहती थी, मोहब्बत मर नहीं सकती है। भाई और बहनों, अपने करीब के लोगों को जिंदा रहते ही कदर कीजिए। यह जिंदगी कब खत्म हो जाएगी किसी को पता नहीं है, इसलिए छोटी सी जिंदगी में एक दूसरे का कदर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय भारत।